हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक्टर जंक्शन चैनल को और घंटी के बटन को दबाकर सबसे पहले ट्रैक्टर के वीडियोस देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूँ मैं रजत गुप्ता आपका ट्रैक्टर जंक्शन के नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा था, हम सौकत भाई के खेत पर आए हुए थे और हमने मैसी 1035 DI के बारे में जाना था। तो हम ये 35 से 39 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जो मीडियम किसान है उसके लिए ये ट्रैक्टर सबसे सही रेंज के हैं। अगर हम बात करें तो मैसी के 1035 के बारे में और चाहे महिंद्रा के 275 DI के बारे में। उन्हीं के भाई पप्पू खान जी के पास, जिन्होंने अभी हाल ही में महिंद्रा का 275 DI ट्रैक्टर लिया है, उन दोनों के बीच में बहस चल रही थी कि मेरा ट्रैक्टर अच्छा है या वो कह रहे थे मेरा ट्रैक्टर अच्छा है। तो उन दोनों से बात करके हम ये जानते हैं और इसका डिसीजन करते हैं कि महिंद्रा 275 DI और मैसी का 1035 DI में से कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए, ताकि जब आप अपना ट्रैक्टर लेने का डिसीजन बनाएंगे तो ये आपको उसमें सहायता होगा। चलिए अब हम उन दोनों से मिलकर बात करते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छा है। स्वागत है पप्पू खान जी आपका ट्रैक्टर जंक्शन के खास कार्यक्रम में। आज हम आपसे जानेंगे आपके ट्रैक्टर के बारे में, महिंद्रा 275 DI के बारे में। नमस्कार रजित भाई। तो पप्पू भाई, आपने ये महिंद्रा ट्रैक्टर ये 275 कब से काम में ले रहे हो? ये सर जी मैं करीब 20 साल से ले रहा हूँ। 20 साल पहले मैंने महिंद्रा ही चलाया था। अच्छा, तो अभी आपने दोबारा खरीद लिया? ये मैंने अभी लिया है, एक महीना पहले ही। अच्छा। तो पप्पू भाई, ये आपने महिंद्रा ट्रैक्टर ही क्यों आपकी पसंद है? ये महिंद्रा ट्रैक्टर की पहले भी चला चुका हूँ मैं इसको, इसकी ड्राइविंग भी अच्छी है, मेंटेनेंस भी बिल्कुल नॉर्मल है इसका। मेंटेनेंस नॉर्मल है, हाँ। कम है। और डीजल माइलेज भी बहुत ही अच्छा है इसका सब ट्रैक्टरों से। तो इसके साथ तो अगर हम बात करें पप्पू भाई, जैसे आपके एरिया में तो 1035 फेमस है, हाँ। है ना, मतलब ज़्यादातर लोग 1035 लेते हैं, तो 1035 से क्या इसमें खास बात है? 1035 से इसमें कई चीज एक्स्ट्रा है। जैसे कि रोटावेटर चलाना है, ये बहुत अच्छा चलाता है। एक जो ट्रॉली का काम है जो वो बहुत अच्छा करता है ये। अच्छा, 1035 के बजाय ट्रॉली में भी इसकी माइलेज भी अच्छी है, मेंटेनेंस भी बिल्कुल नॉर्मल है इसका। ओके, तो आप ट्रॉली में इस ट्रैक्टर को ज्यादा काम में लेते हैं। और खेती में ट्रैक्टर कैसा है? खेती में भी बहुत बढ़िया है, खेती में भी कोई दिक्कत नहीं वगैरह में, बहुत अच्छा। और स्पीड में हम बात करें तो 1035 से इसकी ज्यादा स्पीड है या कम स्पीड? स्पीड तो इसकी करीब करीब सारे ट्रैक्टरों से ही बहुत हाई है। सारे ट्रैक्टरों से हाई है? जी, सबसे हाई है। मतलब हम कह सकते हैं ट्रॉली का राजा? हाँ, ट्रॉली का राजा, स्पीड रोड का तो राजा मानो इसको आप। अच्छा, रोड का राजा है। महिंद्रा के बारे में ये बात कहते भी है कि महिंद्रा जो है वो रोड का राजा है। रोड का राजा, स्पीड तो बिल्कुल हाई है, कोई भी ट्रैक्टर इसका पीछे नहीं कर सकता स्पीड में। तो पप्पू भाई, जब आप इस ट्रैक्टर को ट्रॉली में चलाते हैं तो क्या इसकी माइलेज है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है ट्रॉली में? ट्रॉली में इसकी एवरेज 7-8 के करीब है, समथिंग 7-8 माइलेज देता है। हाँ जी, किलोमीटर के हिसाब से इतनी एवरेज, बहुत अच्छी। मतलब खाली और भरे में आप जब अपने एवरेज निकालोगे तो 7-8 से एवरेज बिल्कुल सेम बैठे। तो ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, बोलेरो भी इतनी एवरेज देती है हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो उसके बाद आपने ट्रैक्टर कितने रुपए का लिया नया? ये करीब लिया था 4.90 के आसपास, 4,90,000 रुपए का। इसकी रिसेल वैल्यू की क्या कंडीशन है 1035 DI के कंपेयर करें तो? रिसेल वैल्यू इससे कम है। इससे कम है? हाँ। इससे कितना कम है? इसे बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम ये करीब। उसमें अगर 1,00,000 की टूटत है तो इसमें कितने की टूटत मानते हैं? 2,00,000 की टूट मानो, 2,00,000 की टूटत हो जाती है। हाँ। ये एक नुकसान है। हाँ, नुकसान। पर अगर हम ट्रॉली में जब आप इसको चलाते हो, मान लो चढ़ाई वगैरह में, जैसे पहाड़ से आप पत्थर वगैरह लाते होगे, तो इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है वहाँ पर चढ़ाई में? अगर अपन इसको चलाएंगे ज्यादा ओवर लोड में तो इसका उठने का डर ज्यादा रहता है, उठता ज्यादा है आगे, हल्का है ना वजन में, तो आगे से इसमें अच्छा वेट वगैरह को बढ़ाने की जरूरत है, वेट बढ़ाने की जरूरत। तो आप क्या कहना चाहते हो कंपनी से, इसमें क्या सुधार करे कंपनी? कंपनी इसमें एक अगला जो बम्पर है ना, इसको थोड़ा वजन दे, करीब करीब 0.5 क्विंटल के समथिंग इसका बम्पर होना चाहिए वजन में, वजन में। एक इसके अगले पे व्हील में ये होना चाहिए, वीट वगैरह बोलते हैं जो वजन वाला, जी जी जी, वो जिससे ट्रैक्टर स्लिप ना करे और जमकर चले, जमकर चले आगे से जो। ठीक बात है, ये है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये ट्रैक्टर किस तरह से 1035 DI जो सौकत भाई आपके भाई का ट्रैक्टर है, उससे किस तरह से अच्छा है? उससे इसका ये मानिए तो ऑलराउंडर ट्रैक्टर है, सब ऑलराउंडर ट्रैक्टर है। और वो फिर भी कुछ काम ऐसे है जिनमें वो सक्सेस नहीं है, मैसी ट्रैक्टर है। जैसा वो बता भी रहे थे कि ट्रॉली में वो ट्रैक्टर नहीं चल पाता है, वो नहीं चल पाता है, खाली खेती के काम में उसको बढ़ेता तो यूज ले सकते हैं। तभी वो अभी 5 साल का होने के बावजूद भी बिल्कुल नया जैसा है, वो सिर्फ ट्रॉली वगैरह नहीं चला है, ट्रॉली में नहीं चला ये है। ठीक है जी, इसको आप सब किसी काम में ले लो। ठीक है किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा पप्पू भाई ने हमें महिंद्रा 275 DI के बारे में बताया, अब हम जानते हैं
शौकत भाई से 10-35 DI के बारे में, उनका क्या कहना है, वो क्या सहमत है जो पप्पू भाई ने उनके ट्रैक्टर के बारे में कहा, आइए हम उनसे बात करते हैं। तो शौकत भाई, अभी आपके जो भाई साहब है पप्पू जी, उन्होंने अपने महिंद्रा 275 DI के बारे में बताया, उनका कहना यह है कि उनका ट्रैक्टर जो है वो ऑलराउंडर है और आपका ट्रैक्टर जो है वो नहीं है, तो क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं साहब, बिल्कुल सहमत नहीं है। किस बारे में, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? ऐसा है साहब, देखो ये ट्रैक्टर जो है मेरे पास मैसी का 1035 जी, ये ट्रैक्टर एकदम बिल्कुल जमींदार के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, तो कह सकते हैं किसान के लिए ट्रैक्टर है, किसान के लिए बिल्कुल अच्छा ट्रैक्टर है मैसी का। और क्या इसमें खासियत है उस ट्रैक्टर से? उसमें साहब, इस मैसी ट्रैक्टर में खासियत है, एक तो बिक्री के अनुसार ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, बिक्री, हाँ जी, रिसेल वैल्यू जो हम बोलते हैं, जी जी, वो कैसे साहब? वो साहब, मैंने ये ट्रैक्टर 5 साल पहले 4,85,000 रुपए का लिया था सर, जी जी जी, अभी भी इस ट्रैक्टर का 3,85,000 या 90,000 रुपए मुझे मिल सकते हैं आज भी, तो मतलब 1,00,000 रुपए की टूटत है। हाँ, और वो ट्रैक्टर में कितनी टूटत होगी? उस ट्रैक्टर में कम से कम 2-2.5 लाख के अंदर अंदर साहब कम से कम टूटत होगी, मांग तो बहुत नुकसान है किसान के लिए, बिल्कुल साहब किसान के लिए बहुत नुकसान है। तो शौकत भाई, ट्रॉली में इस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब ये कैसा चल पाता है, क्या माइलेज देता है, थोड़ा बताइए ना हमें। देखो साहब, ट्रॉली में ये ट्रैक्टर थोड़ा सा रोड पर चलने में थोड़ा सा हल्का है सर जी, हल्का है जी साहब। माइलेज क्या दे देता है? माइलेज तो देखो साहब, इसका मैंने तो ट्रॉली में तो कोई माइलेज लिया नहीं है इसका, नहीं तो मैंने चलाया इसको। ओके, ओके। मेरे तो साहब ये खेती में काम आता है, तो ट्रॉली में भिड़ाया ही नहीं, नहीं ट्रॉली में नहीं भिड़ाया साहब, मेरे ट्रॉली में ये ट्रैक्टर नहीं चलाता हूँ बिल्कुल। और रोटावेटर, रोटावेटर में साहब ये ट्रैक्टर हल्का पड़ता है, 275 से रोटावेटर में ये हल्का पड़ता है साहब, रोटावेटर में, ठीक बात है। देखो साहब, मैं तो फिर भी इस ट्रैक्टर की तारीफ करूंगा, जैसे खेती में ट्रैक्टर बिल्कुल अच्छा है, रोड पे भी ठीक है ट्रैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो इससे जमींदार का काम है साहब, मैं तो इसको रोड पे काम लेता हूं। जमींदार में आप जो बाकी के कल्टीवेटर वगैरह वो काम में लेते हैं उसमें? अच्छा, हाँ बिल्कुल अच्छा है साहब, उसमें बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। ठीक है, धन्यवाद शौकत भाई, अपना समय देने के लिए, हमें आपका कीमती समय हमने लिया, आप जुताई कर रहे थे खेत के ऊपर और आपने हमारे बाकी किसान भाइयों को अपने ट्रैक्टर के बारे में बताया। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको हमारे किसान भाई पप्पू भाई और शौकत भाई से बात कराई और आपको बताया कि उनका उनके ट्रैक्टर के बारे में कैसा एक्सपीरियंस है, तो इस सारी बातों को जानने के बाद जो मुझे समझ में आ रहा है उनके विचारों से, वो ये कि अगर आप सिर्फ खेती में ट्रैक्टर काम में लेना चाहते हैं तो मैसी का 1035 DI खेती के लिए आपको आंख बंद करके ले लेना चाहिए, पर जैसे कि किसान भाई आज की तारीख में जमीन कम होती जा रही है, ट्रॉली का काम बढ़ता जा रहा है, या सिर्फ एक जमीन की खेती से आप उसकी किस्त नहीं भर सकते, तो कई सारे कामों में आपको ट्रैक्टर लेना पड़ेगा जिससे आप उसकी किस्त निकाल पाएंगे। तो मेरा सुझाव है, अगर आपको मिक्स काम में लेना है, मतलब खेती में भी ट्रॉली में भी और बाकी किराए पे भी चलाना है, तो आप आंख बंद करके महिंद्रा ट्रैक्टर जो 275 DI है वो ले लीजिए, ये ट्रैक्टर आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। धन्यवाद किसान भाइयों हमारा वीडियो को देखने के लिए, जैसा कि हमने आपको आज मैसी के 1035 DI और महिंद्रा 275 DI के बारे में बताया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से और वीडियो बनाते रहे, तो हमें कमेंट करके बताइए आप किस किस ट्रैक्टर का कंपैरिजन कराना चाहते हैं, हम आपके लिए इसी तरह से सच्चे जो कंपैरिजन है वो करते रहेंगे और सीधा किसानों से आपको आपके ट्रैक्टरों के बारे में बताते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें।